अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान अगर और आप देख रहे हैं टॉप वीडियो चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे आईडीएम के बारे में। आईडीएम बहुत से लोग जो हैं मेरे जैसे जो है वो ट्रायल वर्जन इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर ट्रायल ख़त्म होने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि हम उसे दोबारा अगर री इंस्टॉल करते हैं तो वो तब भी वो सीरियल की वगैरह मांगता है, जो वो हम जैसे जो परचेज़ नहीं कर सकते। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करूँगा कि मैं ट्रायल वर्जन इस्तेमाल करता हूँ। तो अब उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो सीरियल्स कीज या क्रैक वगैरह के चक्कर में नेट से बहुत कुछ करते हैं, जिसमें जो है क्रैक के अंदर अक्सर जो है वायरस आ जाता है, जो आपके फिर विंडो में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हम बात यहाँ करेंगे ना किसी फेक सीरियल की ना किसी क्रैक की, हम सिर्फ ट्रायल वर्जन को ही जो है इस्तेमाल करेंगे और बग़ैर किसी कीज या उसके। बस प्रॉब्लम ये आएगी तो आफ्टर 30 डेज वो आपको दोबारा करना पड़ेगा रीसेट, तो आप फिर 30 दिन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है कि हम जस्ट उसे एक बटन प्रेस करना है और उसके बाद आप दोबारा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको एक सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने जस्ट उस पर करना ये है कि मैं ये डाउनलोड जो किया हुआ है, ये IDM ट्रायल रिसेट है 0.0 वर्जन। आपने जस्ट इसके अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे दो फाइलें हैं, लाइसेंस नीचे रेडमी है, आप इसको छोड़ दें। हमने ऊपर जाना है SRC में। SRC में जाने के बाद यहाँ पे कोर AU3 है, IDM ट्रायल रिसेट 3, इसको भी छोड़ना है आपने। IDM नीचे इमेज आइकन वगैरह इसको भी छोड़ देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 5 जो फाइल्स हैं रजिस्ट्री की हैं, ये फाइलें आपने इन 4 को इस्तेमाल करना है। जिसके पास सिस्टम 64 बिट का है वो 64 की फाइल को रन करेगा, और जिसके पास 32 बिट है वो ऊपर वाला 32 इस्तेमाल करेगा। अभी IDM ट्रायल है, रीसेट है और ये रजिस्ट्री इसकी है। आपने इन तीनों पे एक एक दफ़ा क्लिक करना है और ये वर्क कर जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ट्रायल वर्जन इंस्टॉल किया हुआ था और वो एक्सपायर हो गया तो आपको री इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट उसको आपने ये करना है कि बस वो आपके डेस्कटॉप पे नज़र नहीं आना चाहिए। इससे मुराद ये है कि जैसे साइड विंडो पे ये नीचे आप आ जाए स्टार्ट बार के अंदर, तो यहाँ पे नीचे आपने जैसे इसको यहाँ से जाके एग्ज़िट कर देना है ताकि ये रनिंग पोजीशन में ना हो, डिफ़ॉल्ट पे आ जाइए। डिफ़ॉल्ट पे आने के बाद आपने ये 4 कीज इस्तेमाल करनी है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जिसका 32 बिट है वो 32 बिट को रन करेगा और जिसका 64 है वो 64 को रन करेगा। इसके रन करने के बाद आपने जस्ट IDM REG इसको पहले कर लें, किसी को भी कर लें, आपने ये तीनों फाइलों को पे क्लिक करना है। ये खुद ही आपका जो IDM है इसको रीसेट कर देगा और आप इसको फिर 30 डेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर ट्रायल ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा यही प्रोसीजर जो है रिप्लाई करना है, तो दोबारा आप 30 डेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर आपसे मैं एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।